भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकसभा का टिकट चाहते थे, बीजेपी से टिकट चाहते थे और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया भी, आसनसोल से उम्मीदवार भी घोषित किया। लेकिन आखिर क्या वजह रही जिससे पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट वापस कर दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? आखिर उसकी वजह सामने आ गई है और पवन सिंह के करीबी ने जो हमें जानकारी दी है और भाजपा के बड़े नेताओं ने जो जानकारी दी है वो हम आपसे शेयर करने आए के लिए आए हैं। और जब आप जानेंगे कि आखिर पवन सिंह ने टिकट क्यों वापस कर दिया, आखिर भाजपा ने टिकट वापस करने का क्या प्रोग्राम था, उसमें भाजपा की आगे की रणनीति क्या है, वहीं सबसे बड़ी खबर कि आखिर इसमें पावर स्टार पवन सिंह के साफ दुश्मन कहे जाने वाले, विरोधी कहे जाने वाले और कह सकते हैं कि सबसे बड़े विरोधी के तौर पर अक्षरा सिंह का नाम उभरता है। जब भी पवन सिंह का चेहरा आपके सामने आता होगा उस समय अक्षरा सिंह का भी चेहरा जरूर सामने आता होगा। जिस तरह महात्मा गांधी का नाम आते ही नाथूराम गोडसे का चेहरा आपके सामने आता है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम सामने आते ही मनीष कश्यप का नाम सामने आता है, ठीक उसी तरीके से पवन सिंह के घोर विरोधी कहे जाने वाले अक्षरा सिंह का इसमें क्या रोल है और आखिर अक्षरा सिंह ने पवन सिंह की औकात कैसे दिखा दी है और कैसे आप कह सकते हैं कि हारी हुई बाजी अक्षरा सिंह ने जीत ली है, वो तमाम बातें आपको इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। और यकीन मानिए कि जब हम आपको इसकी वजह बताएंगे कि आखिर पवन सिंह ने टिकट क्यों वापस कर दिया, तब आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और ज़्यादा देर तक आप लोगों को इंतजार नहीं कराते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अक्षरा सिंह वाला मैटर क्या है, आखिर अक्षरा सिंह इसमें कहां से बीच में घुस गई, उसके बाद हम आगे की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, तमाम बातें बताएंगे कि आखिर पवन सिंह ने टिकट क्यों वापस कर दिया और उसका मेन रीजन क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पवन सिंह ने टिकट वापस जैसे ही कर दिया वैसे ही अक्षरा सिंह अब इसमें कूद पड़ी हैं और बताया जा रहा कि अक्षरा सिंह और उनके पिता ने बीजेपी से संपर्क किया है, जेपी नड्डा तक खबर पहुंचवाई है और अब आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अक्षरा सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने की आकांक्षा जाहिर की है, इच्छा जाहिर की है और इसके बाद बताया जा रहा कि अक्षरा सिंह भी भोजपुरी की एक बड़ी स्टार है और पावर स्टार पवन सिंह के विरोधी के तौर पर भी देखी जाती है, एक बड़ा नाम है और आसनसोल से अक्षरा सिंह को टिकट देने की बात चल रही है। अब आ जाते हैं कि आखिर अक्षरा सिंह इसमें क्यों कूदी। आप सभी जानते हैं कि जहां भी पवन सिंह का नाम आता है वहां पर अक्षरा सिंह का नाम जरूर आता है और ऐसा कहा जाता है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह का विरोध कर नाम कमाई है। अब चाहे खैर जो भी हो इस पर आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी खबर पर आते हैं। अब आप जानिए कि आखिर आसनसोल से पवन सिंह ने टिकट क्यों वापस कर दिया। आपको बताते चले कि जैसे ही पवन सिंह के नाम की घोषणा हुई वैसे ही पवन सिंह के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचे, रिपोर्टर ने सवाल किया तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इसके लिए टिकट के लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद तक अदा किया, काफी खुशी जाहिर कर रहे थे, मिठाई लड्डू बांटे जा रहे थे, नाच गाना तक शुरू हो गया था। लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद पवन सिंह ने कुठारघात कर दिया, बीजेपी पर किया और टिकट वापस करके आप कह सकते हैं कि बीजेपी को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है जो कि आपको पता नहीं है। सबसे पहले आपको बताते चले कि जैसे ही पवन सिंह के टिकट की घोषणा हुई आसनसोल से चुनाव लड़ने की, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने और विरोधी पार्टियों ने पवन सिंह के खिलाफ प्रोपगेंडा चलाना शुरू कर दिया। अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पवन सिंह के पुराने गीतों और पुराने फिल्म को लेकर बंगाली अस्मिता का, पश्चिम बंगाल के अस्मिता का मुद्दा उठाया गया,
आपको बताते चले कि पवन सिंह ने कई सारे अश्लील गाने गाए हैं जिसमें बंगालियों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने गाली देने का काम किया है, और इसे कई सारे वीडियो, कई सारे अश्लील जो कि बंगाली महिलाओं पर, कहीं ना कहीं इसमें बंगाली महिलाओं का अपमान झलकता है। और इसके बाद जैसे ही उनकी सारी पुरानी पुराने गाने के स्क्रीनशॉट और पुराने गाने वायरल किए जाने लगे, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठने लगा, वैसे ही बीजेपी को आभास हो गया कि पवन सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह अपने साथ साथ बीजेपी की भी लुटिया डुबो सकते हैं, पवन सिंह का जीतना आसान नहीं रहेगा। जैसे बाबुल सुप्रियो को उसने जिताया था, जितने वोटों से जीते थे, पवन सिंह का हारना तय लग रहा था। और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला ले लिया कि पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके बाद यह चलवाया गया, पवन सिंह तक यह खबर पहुंचवाई गई कि दरअसल अगर आप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जिस प्रकार से आपके पुराने वीडियोस, पुराने गाने को वायरल किया जा रहा है, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया जा रहा है, उस प्रकार से आपका बंगाल से जीतना नामुमकिन लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कि आप घोषणा कर दीजिए कि मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार से लड़ूंगा। इसमें पवन सिंह की भी इज्जत बच गई कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया, बीजेपी की भी जग बच गई क्योंकि वो वहां के अब चाह रही है बीजेपी कि अब वहां पर कुछ ऐसे लोगों को उतारा जाए जिसका कोई बैकग्राउंड खराब नहीं हो, जिसका बंगाल में इमेज खराब ना हो। और वैसे कैंडिडेट के तौर पर अक्षरा सिंह का नाम सामने आया है और अक्षरा सिंह को उतारा जा रहा है, जहां बीजेपी ने अपनी जग बचाने का काम किया है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि पवन सिंह ने भी अपनी इज्जत बचाने का काम किया है। और बताया जा रहा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पवन सिंह के कई गाने असभ्य है। आप सभी जानते हैं कि बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठता है, गुजराती अस्मिता का मुद्दा उठता है, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठता है कि कोई अगर बिहारी को गाली दे दे, कोई पार्टी के नेता ही अगर बिहारी को अगर गाली देता है तो क्या उस पार्टी को बिहार के लोग वोट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से पवन सिंह के भी चुनाव हारने की चर्चा तेज हो गई थी, और बताया जा रहा था कि उन्होंने कई महिलाओं, सभी महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित किया है, यह तृणमूल कांग्रेस का आरोप है, और इनके कई सारे फोटोज वीडियो वायरल भी किए जा रहे थे। वहीं बताया जा रहा था कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह कदम पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और एकजुटता का नतीजा है। वहीं पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुटकी लेते हुए कहा कि खेला शुरू होने से पहले ही खेला होना अभी बाकी है, यानी कि जैसे ही पवन सिंह ने यह घोषणा कर दी कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके बाद वैसे ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया, और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं, बीजेपी को अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं, और बीजेपी को अपना टिकट जो है, अपना कह लीजिए उम्मीदवार की जो घोषणा की गई थी उसका नाम कैंसिल करने की जरूरत पड़ी है। वहीं आसनसोल में बड़ी संख्या में आपको बताते चले कि बाहरी लोग भी रहते हैं, इसीलिए तो वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने उतारा था, इसीलिए तो बिहार से पवन सिंह को उतारा जाने वाला था। लेकिन बताया जा रहा कि भाजपा को उम्मीद थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह एक प्रभावी उम्मीदवार होंगे, लेकिन पवन सिंह के पहले के दाग जो है, इसलिए कहा जाता है कि पाप इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपने किसी को गाली दे दिया, अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया, तो कम से कम ऐसा बुरा बोलिए, ऐसा ही बोलिए कि कम से कम जब आप वापस आए तो आपकी छिछलदारी ना हो। वहीं बताया जा रहा कि भाजपा ने अब अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ाने का मन बना लिया है, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और सूत्रों के हवाले से हमने जो जानकारी निकालकर सामने लाई उस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं जानकारी जुटाने में, तो आप लोग का सहयोग जरूरी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।